अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं आपका इमरान दोस्त बात कर रहा हूँ जोगी सन्यासी नुस्खा जात चैनल की जानिब से। अच्छा, आज मैं आपके लिए एक तिला लेके आया हूँ जो 3 से 4 पटियाँ करने से इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ऐसा तिला है, इसमें इतना कोई ख़र्चा इतना है, ये सभी चीज़ें घर से मिल जाती हैं। ये जो तिला मैंने बनाया है और कितनी बार मैंने इसको बनवा कर अपने दोस्तों से कहकर, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास डंगर होते हैं इसलिए मैं उनको बोल देता हूँ, वो चीज़ें बना के ला देते हैं तिलों वाली, तो इसलिए मैंने ये अब छोड़ दिया नेट पे यूट्यूब पे, कि मैंने कहा कि चलो सभी दोस्त भाई इसको यूज़ कर लें और फ़ायदा उठा सकें सभी। भाईजान, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बस ये आप दोस्तों और भाइयों की सलाह से ही मैंने ये चैनल बनाया है और फिर इसको सरप्राइज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बात ये है कि आपने तिलो बनाना है, कैसे बनाना है मैं आपको सभी बताता हूँ। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बात ये है कि जो बंदा हाथरसी कर कर के बिल्कुल अपने पट्ठों का सत्यानाश कर दिया है, लिंक ख़त्म कर दिया है, लेंथ बिल्कुल वहाँ की वहाँ रुक गई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी लेंथ बड़ी हो जाएगी, फुलकारे में आ जाएगी, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, ना मुझसे झूठ बोला जाता है। मैं बात वही करूँगा जो मेरे सामने इस तिले का रिज़ल्ट आया है, जो जैसा ये करता है काम मैं वही बताऊँगा। और ये मैं एक बात गारंटी से कहूँगा कि आपका जो नफ्स है ये डिंगा होगा, टेढ़ा होगा तो सीधा ज़रूर होगा और टाइट होगा, पट्ठे आपके बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। बस इसका ये काम है कि जिसके पट्ठे ख़त्म हुए हैं वो पट्ठे ठीक करेगा और अपनी जगह पे लाएगा, लेंथ सीधी रहेगी। अच्छा भाईजान, आपने क्या करना है कि आपने सूती कपड़ा लेना है, कम से कम 6 इंच चौड़ा हो, 3 फुट लंबा हो। उसको क्या करना है, आपने उसके ऊपर पहला स्टेप आग के दूध का करना है कि उसके ऊपर आपने किसी प्लेट में रख के आपने ऊपर दूध चोना है। जब वो कपड़ा तर हो जाए, थोड़ा सा 10-15 ग्राम दूध लगता है, इतना ज़्यादा दूध नहीं लगता है, आपने वापस घर लेके आना है, उसको धूप में सुखा देना है। फिर आपने क्या करना है कि गाय जब चोने लगें, गाय का दूध ऊपर दारें लगानी है, जब उसमें वो तर हो जाए तो उससे सुखा कर आपने मक्खन घी गाय का लेना है, गाय का मक्खन घी के अंदर उसको ऐसे ऐसे मल देना है। जब वो भी ऊपर जज़ब हो जाएगा, वो ये सारा जज़ब कर जाएगा, ऐसे इसी तरह आपने ये तीनों चीज़ों के 3 कोर्स करने हैं। 3 कोट करके आपने क्या करना है, चिमटे से पकड़ लें, उस बत्ती बना दे, ऐसे लटका दे नीचे, चिमटे से पकड़ कर आपने क्या करना है कि उसको नीचे से आग लगा देनी है, नीचे आपने प्लेट रख देनी है, जो तिला ऊपर से नीचे गिरेगा वो ही आपका अच्छा तिला बनेगा, वो आपने मुफीद करके रख लेना है, वो साम लेना है। जब टाकी सारी जल जाएगी तो वो तिला आपका नीचे सारा मौजूद होगा, वो आपने किसी शीशी में बंद करके रख लेना है। फिर क्या करना है कि अगले सामने फ्रंट वाली साइड कैप छोड़कर, नीचे वाला हिस्सा छोड़कर आपने इस जगह पे लगाना है, ऊपर साइड पे आहिस्ता आहिस्ता लगाकर आपने ऊपर क्या करना है कि पान का पत्ता लेना है बड़ा, जो उसके ऊपर सारा आ जाए। फिर आपने सूती कपड़े की टाकी लपेट देनी है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से पहले दिन ही आपको वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। जब आप
सो जाएंगे लगा के, तो वो पट्टी जो है वो पहले दिन ही काम करना शुरू करेगी। मगर उसकी 3 से 4 पट्टियाँ होती हैं, मैं तो इतनी कहता हूँ आप 6 दिन लगाएं, 1 हफ़्ता पूरा लगा दें, आपके बिल्कुल नफस के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कमज़ोरी वाली, सब दफ़ा हो जाएगी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। ये तिला मैंने आप लोगों को दे दिया है भाई जान, ये आप घर भी बना सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई भी इसको बना सकता है आसानी से। बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है जैसे मैं बनाता हूँ इसको। ये सारा मैंने तिला बना के रखा हुआ है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे इसमें। हमारा तिला है, ये सारी बोतल के अंदर तिला मैंने रखा हुआ है, यही हमारा तिला बना हुआ है। ये जो मेरे पास लोग आते हैं ये मैं उनको देता हूँ। तो आप सब लोग पूरे वर्ल्ड में ये मेरी वीडियो आ गई है, आप सब लोग जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, जिस दिन मर्जी बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी किस्म की। और भी मैं तिले दूंगा आपको, पहले ये हमारा तोहफ़ा कबूल करें। और हमारी भाईजान रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, किसी को समझ ना लगे तो ये 15 से 20 सेकंड का मैसेज एक एक करके मुझे जवाब सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा, पूरी बात समझा दूंगा मैं, किसी को समझ ना लगे तो। ठीक है भाईजान, ये आज की हमारी वीडियो थी, आप इसको देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।